सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से जो है फ्रैक्टल बैंड्स की मदद से जो है ट्रेड ले सकते हो और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। सो गाइस, आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने विनोमो एप्लीकेशन ओपन कर रखा है और गाइस आप देख सकते हो कि ये मेरा रियल अकाउंट है, ठीक है। और गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने फ्रैक्टल बैंड्स की जो इंडिकेटर है वो अप्लाई की हुई है। और गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो पेयर ओपन कर रखा है वो है क्रिप्टो IDX। ओके, सो गाइस आज हम इसी इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है फ्रैक्टल बैंड्स। सो गाइस, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने फ्रैक्टल बैंड जो है अप्लाई कर लेना है विनोमो में। तो गाइस, मैं आपको फ्रैक्टल बैंड्स के बारे में पहले बता देता हूँ। तो गाइस, ये काफ़ी हद तक सिमिलर है बॉलरिंग बैंड से। ओके, और अगर गाइस आप न्यू हो हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो गाइस आप सबसे पहले बॉलरिंग बैंड वाला वीडियो देख लो। मैं आई बटन में जो है वो वीडियो की लिंक दे दूंगा गाइस, तो सिंपली बस आई बटन पे क्लिक करके आप जो है वीडियो को वॉच कर सकते हो। ओके गाइस, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दूंगा। ओके, सो गाइस ये काफ़ी हद तक के जो है बॉलरिंग बैंड से सिमिलर है, लेकिन गाइस इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें कोई भी मिडल लाइन नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी मिडल लाइन नहीं है। और जो बॉलरिंग बैंड में जो मेन होता है गाइस, वो मिडल लाइन ही होती थी जिसके मदद से जो है हम ट्रेड लेते थे। ओके, तो गाइस यहाँ पे मिडल लाइन तो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे बीच बीच में जो है ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रेकआउट है, और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकआउट है। तो गाइस हम इन्हीं ब्रेकआउट की मदद से जो है ट्रेड लेने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे अभी जो है मार्केट जो है वापस से जो है बैंड के अंदर जा रहा है। ओके, तो गाइस आप यहाँ पे भी जो है ट्रेड ले सकते हो। किस तरीके से ले सकते हो गाइस, तो मैं सिंपली आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, सो गाइस आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे जो है एक ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये जो कैंडल ब्रेकआउट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एक कैंडलस्टिक बनी है जो कि ब्रेकआउट दे रही है, जो कि फर्स्ट ब्रेकआउट है, वो पूरी की पूरी 99.09% जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनी है। मतलब यहाँ एक भी इसका सिर्फ 0.01% ही भाग जो है, जो हिस्सा है गाइस, वो बैंड के अंदर है, बाकी का पूरा पोर्शन जो है वो बाहर है। तो गाइस इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है आप रेड ही बनेगी, तो आप सेल के लिए जा सकते हो। ओके गाइस, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर 50% से ज़्यादा कैंडल अगर अंदर की ओर बनती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो गाइस आपने ट्रेड नहीं लेनी है। अगर 50% से ज़्यादा जो कैंडल है गाइस वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनती है, मतलब ब्रेकआउट देके डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनती है, तो गाइस आपने सिंपली ट्रेड ले लेनी है नेक्स्ट कैंडल के लिए, बाय सेल डायरेक्शन के लिए। ओके, तो गाइस ये है हमारी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, आपको सिंपली इसी स्ट्रेटजी के ऊपर जो है ट्रेड लेनी है। ओके, क्योंकि गाइस यहाँ पे कोई भी मिडल लाइन नहीं है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बॉलर जो फ्रैक्टल बैंड्स के अंदर जो है ट्रेड अपवर्ड जाएगी कि डाउनवर्ड जाएगी। तो गाइस आप सिंपली जो है इसकी ब्रेकआउट की मदद से जो है ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो गाइस मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे गाइस एक ब्रेकआउट हुआ है, आप देख सकते हो। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो शेडो प्लस जो अगर आप बॉडी को अगर देखो, तो गाइस यहाँ पे जो है 40% जो कैंडल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, और गाइस इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो बनी है रेड। तो गाइस यहाँ पे आप जो थर्ड कैंडल है उसके लिए गाइस आप जा सकते हो सेल डायरेक्शन के लिए। ओके, उसमें आप सेल डायरेक्शन के लिए जा सकते हो, लेकिन गाइस थर्ड कैंडल के बाद आप बिल्कुल भी और सेल के लिए नहीं जा सकते गाइस, क्योंकि यहाँ से जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ 3 कैंडल्स के लिए बता रहा हूँ। अगर जो फर्स्ट कैंडल है वो 50% से ज़्यादा ब्रेकआउट देके गाइस नीचे जाती है, तो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है। अगर गाइस ये 40-30% या फिर 10% का ब्रेकआउट देती है गाइस, तो आपको नेक्स्ट कैंडल के लिए वेट करना है। अगर वो रेड बनती है तो गाइस आपको थर्ड कैंडल के लिए जो है ट्रेड लेनी है, ठीक है। लेकिन गाइस जो सेकेंड कैंडल है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। इसकी जो बॉडी है गाइस वो ज़्यादा बड़ी है। अगर गाइस सिर्फ अगर जो सेकेंड कैंडल है उसकी शेडो ज़्यादा बड़ी है, जैसे कि गाइस आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे एक डोजी कैंडल है, यहाँ पे जो इसकी शेडो बड़ी है, तो गाइस यहाँ पे आप बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लोगे थर्ड कैंडल के लिए। ओके, अगर गाइस आपको कुछ भी नहीं समझ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, या फिर वीडियो को वापस वापस रिपीट करके देख सकते हो। ओके, वापस से जो है रिपीट कर सकते हो वीडियो को, लेकिन गाइस आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, मैं आप समझाने की पूरी कोशिश आपको कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो गाइस अब हमने बात कर ली डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेंड की, अब हम बात करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेंड की। ओके, तो गाइस सिंपली मैं यहाँ पे जो है ढूंढ लेता हूँ कोई अपवर्ड ट्रेंड। ओके गाइस, तो अगर आपको कभी भी इस तरीके का ब्रेकआउट दिखे, तो गाइस एक फॉल्स ब्रेकआउट है, आपको याद रखना है, आपको ऐसे कंडीशन में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेनी है। ओके, सो ओके गाइस मैं आपको बता देता हूँ अभी। ओके गाइस, तो आप यहाँ देख सकते हो,
यहाँ पे गाइस 50-50% का जो ब्रेकआउट हुआ है। ओके, तो आप गाइस आपको ये वाली कैंडल बिल्कुल अवॉइड करनी है। 50% का अगर ब्रेकआउट होता है गाइस, तो अगर तो गाइस आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि हमें यहाँ नहीं पता कि जो कैंडल है वो डाउनवर्ड जाने वाली है कि अपवर्ड जाने वाली है। आपको ट्रेड कब लेना है, अगर 50% से ज़्यादा कैंडल अप रही तो ही आपको ट्रेड लेना है नेक्स्ट वाली बाय डायरेक्शन के लिए। लेकिन अगर गाइस 50% से नीचे अगर ट्रेड रही तो गाइस आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट कैंडल के लिए वेट करना है कि वो ग्रीन बनती है कि रेड। अगर गाइस वो कैंडल भी ग्रीन बनी और गाइस उसका बॉडी अगर बड़ा हुआ ठीक है, तो ही गाइस आपने थर्ड कैंडल के लिए ट्रेड लेना है, वो भी बाय डायरेक्शन के लिए। ओके, ना कि सेल डायरेक्शन के लिए, क्योंकि गाइस हम यहाँ बात कर रहे हैं बाय डायरेक्शन के बारे में। ओके, हम यहाँ पे बाय डायरेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आपने ट्रेड लेना है। अगर गाइस आप और कंफर्मेशन चाहते हो तो गाइस आप यहाँ पे जो है RSI की मदद ले सकते हो, क्योंकि गाइस RSI हर एक कैंडल की जो है ट्रेड हमें एक्सप्लेन करती है। अगर हम अपना थोड़ा सा दिमाग लगाए तो, ठीक है, हमें पता चल जाता है RSI की मदद से कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो कौन सी बनने वाली है। ओके, तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक ट्रेड लेके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो गाइस अभी हमें यहाँ पे फिलहाल कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली है, तो सिंपली गाइस मैं क्या करूँगा, अभी वीडियो को पॉज कर दूंगा। जैसे ही मुझे कोई कंफर्मेशन मिलती है मैं गाइस फिर से वीडियो को रिज्यूम कर दूंगा, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ओके, सो गाइस आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे जो है 90% कैंडल जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनी है। और गाइस हमने तो गाइस मैंने आपको क्या बताया कि जब भी 90% या फिर 50% से जो ज़्यादा कैंडल है अगर वो नीचे बने तो आप नेक्स्ट के जो ट्रेड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ले सकते हो। तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ट्रेड है वो रेड ही बनी है जो कैंडल है, तो गाइस आपकी यहाँ पे जो ट्रेड है वो इजीली विन हो जाती। लेकिन गाइस अगर आपको इस तरीके से कोई कैंडल मिले जिसकी शेडो बड़ी हो और बॉडी छोटी हो, तो गाइस आपको यहाँ पे जो है बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेनी है, जैसे कि मैं आपको हमेशा बार बार बोल रहा हूँ। ओके, तो गाइस आप यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है कैंडल है ऊपर गई है, ब्रेकआउट देखिए गाइस ऊपर गई है, जो ग्रीन कैंडल है ब्रेकआउट देखिए ऊपर गई है गाइस, और इसका जो 90% से जो ज़्यादा बॉडी है गाइस वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, तो गाइस आप यहाँ से नेक्स्ट सिंपल जो नेक्स्ट कैंडल के लिए ट्रेड ले सकते हो बाय डायरेक्शन के लिए। ओके, तो गाइस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको ब्रेकआउट मिले आप ट्रेड लो। ओके, सो गाइस यहाँ पे मैं सिंपली बाय डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूँगा। ओके ओके गाइस, तो मैं अमाउंट इंक्रीज करना चाहता था, बट मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो अमाउंट है वो 360 रुपीज़ ही सेट था, तो गलती से सिर्फ 360 रुपीज़ की ही ट्रेड लगी है। ओके गाइस, तो कोई बात नहीं। तो गाइस ये ट्रेड विन होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रेड मैंने क्यों ली। ओके 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 गाइस, तो जब तक कि मैं आपको कुछ और ब्रेकआउट्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो गाइस आप ये ब्रेकआउट देख सकते हो सिंपली, ठीक है, यहाँ पे एक मारुबुजु ग्रीन कैंडल बना है। उसके बाद गाइस जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है जो मेरे साथ स्टार्टिंग से बने हुए हैं, मारुबुजु के बाद गाइस सिंपली रेड कैंडल बनता है, ठीक है। और गाइस उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एक रेड कैंडल बना है, तो गाइस आप यहाँ ट्रेड नहीं लेना बिल्कुल भी, क्योंकि गाइस ये एक रेड कैंडल है और इसने बिल्कुल भी ब्रेकआउट नहीं दिया है। लेकिन गाइस आप यहाँ बिल्कुल ट्रेड ले सकते हो, जो नेक्स्ट ट्रेड है वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद गाइस मैं और आपको दिखा देता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन शायद कर चुका हूँ पहले, तो गाइस ठीक है, हम आ जाते हैं अपने ट्रेड की ओर वापस। ओके, सो गाइस 9 सेकेंड 8 सेकेंड बचे हुए हैं। ओके ओके, सो गाइस यहाँ पे फिलहाल अभी कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, तो ठीक है। तो गाइस मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों ली थी, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है कंटिन्यूली जो कैंडल्स है वो बिना शेडो की बन रही थी, और गाइस यहाँ पे जो ट्रेंड है वो अपवर्ड डायरेक्शन के था, ठीक है। तो गाइस अगर इसका मतलब बिना शेडो के अगर कोई कैंडल्स कंटिन्यूली बन रही है, इसका मतलब गाइस कि जो मार्केट है वो बिल्कुल स्टेबल है और आप उसी डायरेक्शन में जो है ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है बिल्कुल भी कैंडल नहीं बनी है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे बिल्कुल भी जो है कैंडल नहीं बनी है, और यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल में गाइस शेडो बनी हुई है वो छोटी है। तो गाइस इसलिए मैं सिंपली यहाँ पे जो थर्ड कैंडल है उसके लिए गाइस मैं बाय डायरेक्शन के लिए गया, ठीक है। अगर गाइस यहाँ पे गलती से अभी रेड कैंडल फॉर्म हो जाती है, तो गाइस इसके बाद मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लूँगा, या फिर जो गाइस इसकी जो शेडो है वो बड़ी रहती है, तो गाइस तभी भी इस कंडीशन में भी मैं बिल्कुल भी बाय डायरेक्शन के लिए ट्रेड नहीं लूँगा। ओके, सो गाइस ये थी स्ट्रेटेजी, होप करता हूँ कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और गाइस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, और गाइस मेरा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसमें मैं बिल्कुल फ्री सिग्नल्स देता हूँ आप लोगों को। ओके, सो गाइस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अपने कोर्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें, ठीक है। तो गाइस फाइनली मैं अपना कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ आज से,
2 वीक बाद। ओके, इसका मतलब गाइस जनवरी में मैं अपना कोर्स जो है लॉन्च करने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइस मेरे कोर्स में क्या क्या रहने वाला है उसकी फुल इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और गाइस मेरा कोर्स बहुत ही चीप प्राइस में रहने वाला है, ओके, ताकि सारे के सारे जो जिन्होंने भी लॉस किया है वो उसे एफर्ट जाए जो कर सके। ओके, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।